जैसे जो मतलब जो सरकार दे रही है उसका पैसा, उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सरकार की, सरकार से नहीं तोड़वा रहा है ना, तो अपना निजी संपत्ति, ये अपना निजी संपत्ति इसको मतलब पीछे हट के अपने मन से बना के अपना बनाएंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चरण में फिर स्वागत करता हूँ। बरबट चौराहे पर चोरीकरण का प्रक्रिया जारी है दोस्तों। इसी के अंतर्गत लोग अपने अपने मकानों को पुनः तोड़ने लगे हैं और पीछे हटकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जागृति नगर में भी यह प्रक्रिया चालू हो गई है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। उस दुकान से यहाँ तक और यहाँ से लेके वो टंकी वाले पूरा मकान तक, ये वाला भी तो टूटेगा तो पूरा तोड़ दो। इसी का ईटा इसमें रखी। किसका दुकान था ये? ये था संत लाल जी का, संत लाल बाबूलाल संत लाल। यहाँ तक सब ले रहे हैं घा लगता है, तो जहाँ तक उनका रहेगा वहाँ तक तो रहेगा ही ना। बाबूलाल चाह को एक लड़का नहीं थे, संतलाल चाह के तीन थे लड़के थे। अच्छा। हरिशंकर, शिव शंकर और दीपक। ये लगता है कि मकान मालिक ही तोड़वा रहे हैं। हाँ, मकान मालिक तोड़वा कर इसको अपने हिसाब से फिर से सेटिंग करवा कर बनवाएंगे, लंबी लंबी दुकान कर देंगे। अच्छा। पहले इसमें आटा चक्की था, रजाई गद्दा रुई हुई सब बनाता था। एटीएम भी था, वो सब खत्म हो गया। हाँ सब। कपड़े की दुकान थी वो भी खत्म हो गया। रजाई गद्दे का इनका खुद का दुकान था, इसमें आटा चक्की रजाई गद्दा रुई हुई धोनाता उनाता भी था, रजाई गद्दा बंदा था सब कुछ। दुकान दुकान तो आपका इधर चला गया क्या भैया? दुकान तो आपका स्थगित हो गया, इधर आ गया। हाँ इधर आ गया। तो पहले आपका दुकान शायद उस पार था, मतलब सड़क पार था ना, शंकर प्रसाद में, शंकर प्रसाद में था। तो आप अब दो चार महीना में बन जाएगा, फिर हम उधर चले जाएंगे। मतलब वो और पीछे हट के बनाएंगे? हाँ पीछे हट के बनाएंगे, मतलब रोड से थोड़ा बैक और आएंगे। अच्छा अच्छा। और फिर बनने के बाद फिर हम मतलब कि कितने महीने में मतलब यहाँ जाएंगे सर? वही एक डेढ़ महीना कितना समय लगे बनने में। अच्छा। बस बनने मलबा जहाँ आटा वहाँ काम लग जाएगा। आपके मतलब की दुकान क्या नाम था? ब्राइट न्यू ब्राइट टेलर्स। ब्राइट टेलर्स, न्यू ब्राइट लौरा भी ब्राइट है ना, तो एक नाम से दो फर्म नहीं होता, इसीलिए मैंने न्यू लगा दिया, न्यू ब्राइट टेलर। आपका इधर इसको डालेंगे, तो पहले दुकान आपका इधर इसी जगह था? अच्छा, यही था। अभी ये करीब दो महीने बाद, अच्छा, ये मलबा जहाँ हटा, मलबा हटने के बाद दो महीने बाद। तो ये मतलब जागृति नगर कॉलोनी है? हाँ जागृति नगर, जागृति नगर कॉलोनी है। तो मतलब कि ये जैसे यह टूटा हुआ है तो इधर भी इस साइड भी टूटेगा? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब इस यही तो ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया। अच्छा। ये निजी इनका संपत्ति है ना? अच्छा, इनका निजी है। अच्छा। अपन जर्जर हो गया था मकान, पैसा वैसा मिल रहा है? नहीं नहीं, जब फिर हमको फिर देंगे, फिर जब बन जाएगा तो फिर हमें एक रूम फिर मिलेगा। नहीं पैसा, जैसे जो मतलब जो सरकार दे रही है उसका पैसा, उसको पैसा मिल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, ये सरकार की, सरकार से नहीं तोड़वा रहा है ना, तो अपना निजी संपत्ति, ये अपना निजी संपत्ति इसको मतलब पीछे हट के अपने मन से बना के अपना बनाएंगे। हाँ, उससे सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो ये जागृति नगर मतलब कॉलोनी है, मतलब कि ये जो है कि अपने मन से स्वेच्छा से इसको तोड़ रहा है। मतलब यह है कि जो सरकार जो काम करे उसके अनुसार मतलब खुद पीछे हट के काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं अपना, निजी है, निजी संपत्ति बना रहे हैं कि बाद में हमें दिक्कत ना आए। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा, आई किसकी संपत्ति थी? ये शंकर प्रसाद जायसवाल थी। शंकर प्रसाद जायसवाल की, मतलब कुछ दिन बाद आप इसमें आ जाएंगे? हाँ। तो ये मतलब 100%। अच्छा, ये ब्राइट टेलर से मतलब जो है आनर है, खासतौर से उस पार से लेके आए कुछ महीने के लिए, फिर बाद में इस जगह आप आएंगे। जी, तो मरवाड़ी में तो बहुत फेमस आपका दुकान। अरे 40 साल हो गए आपके दुआ से।
इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा। तो